किसी से बुलवाइए, किसी से बुलवाइए। ये तो कैमरा, कैमरा आप सभी लोगों का आरडी स्पोर्ट क्लब फिजिकल एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। अभी अभी जो है कि आरडी स्पोर्ट क्लब प्रयागराज एकेडमी सलोरी में आपका स्वागत है। अभी यहाँ के बच्चे जो है कि क्वालिफाई करके गुरुजी से मिलने हुए आए हैं, अपना जो है अनुभव अपने साथ शेयर करेंगे। आर डी स्पोर्ट क्लब के बारे में आपकी क्या राय है? जो आपके ज्वाइन करने से पहले आपका टाइमिंग कितना आता था भाई? ज्वाइन करने पहले हम छोटा बघाड़ा में दौड़ते थे, तो वहाँ 4:30 आता था। लेकिन फिर वहाँ एक लड़का हमसे मिला, वो कहा जाएंगे तो यहाँ वहाँ आर डी सर करके हैं, वो दाढ़ी वोड़ी रखते हैं, तो उन्हीं के पास जाना। हम कहे ठीक है, तो आए तो सब वहाँ देखे और सर से हमसे मुलाकात हुई। तब से आधा घंटा 45 मिनट तक हम दौड़ते रहे, इसलिए काफ़ी हमको मजबूती मिली और इसी तरीके से और धीरे धीरे दौड़ में हमारा ठीक ठाक होने लगा। और पहली बार जब हमारा दौड़ यहाँ हुआ था तो हम 3:54 आए थे, और उसके बाद धीरे धीरे 3:22, 3:23, 3:20 इसी तरीके से हमारी दौड़ हुआ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। जोन? हाँ, ये चंडीगढ़ जोन से है हमारा फार्म। और हम सर के पास यहाँ पहले ग्राउंड में ऐसे दौड़ते रहे, तो उल्टा सीधा दौड़ते थे, कुछ आइडिया नहीं था, कभी कहीं दौड़े भी नहीं थे, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखे कि यहाँ बच्चों को सिखा रहे थे, दौड़ कैसे दौड़ना है सारी चीज़ें बता रहे थे, तो लगभग 7-8 दिन सीखे। उसके बाद घर चले गए थे, थोड़ा दिक्कत हो गई थी घर पे हमारे, हम घर चले गए। उसके बाद यहाँ हम 5 जनवरी को आए हैं। उसके बाद हमें घर पे बहुत ज़्यादा दौड़ते थे, तो इंजरी बहुत जगह हो गई थी, ठीक है। तो आए थे सर, हम सर से बताए, सर जगह मान लीजिए स्ट्रेचिंग करवाए, और हमारा जहाँ पे जो भी दिक्कत थी पैर वगैरह में, उसको बताया कि मालिश कैसे करना है, कैसे सिकाई करना है और कैसे एक्सरसाइज करना है। तो उसके बाद तो एक्सरसाइज जैसा सर बताते गए वैसा करते गए, और एक्सरसाइज करने के बाद हमें इम्प्रूवमेंट आया। घर पे हम 4:51, 4:29 ऐसे समय लगता था। आपकी टाइमिंग वहाँ कितनी आई थी? हाँ, घर पे हमें 4:51, 4:29 इससे ज़्यादा लगता था, नीचे नहीं आता था। आप अपना नाम बताइए। मैं विनय कुमार प्रजापति, हमारा दिल्ली जोन से था। आप अपना नाम बताइए। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि चारों बच्चे दिल्ली जोन बोर्ड से जो है क्वालिफाई करके आए हुए हैं आरडी स्पोर्ट क्लब फिजिकल एकेडमी प्रयागराज, जो कि सुबह 6 बजे ईश्वर सर डिग्री कॉलेज में और शाम को लगभग 4 बजे ईश्वर सर इंटर कॉलेज में जो है कि इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आप लोग आगामी भर्तियों के लिए अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस फिजिकल एकेडमी से ज़रूर जुड़ें। और जो है कि आप अपनी टाइमिंग बताइए कितनी आई थी वहाँ? हमारी टाइमिंग यहाँ 3:45 आती थी, 3:45, 3:40 हुई, 3:38 लास्ट टाइमिंग थी पिछले ट्रायल। आपकी? हमारी जब स्टार्ट किए थे हमारा 5:07 आया था पहली बार जब 22 दिसंबर को। आप चारों लोगों का फिजिकल एकेडमी आरडी स्पोर्ट क्लब फिजिकल एकेडमी के बारे में अपनी विचार जो है संक्षेप में थोड़ा दो लाइन बताइए। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ ज्वाइन करिए, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं दौड़ के से रिलेटेड आप लोग ज्वाइन करिए, और सर जितना कम समय में सिखा देंगे वो आप लोग नहीं सीख पाएंगे, कहीं पैर में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं समस्या होती रहती है। यहाँ पर आप लोग आएंगे, जो भी जिस भी वैकेंसी में आपका फिजिकल है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए,
और यहाँ आप आईडी स्पोर्ट एकेडमी के लिए सर जो है वो कॉन्फिडेंस तक ले जाते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ। आडी सर के यहाँ आने से आपको लाभ पहले तो ये मिलेगा कि जो आपका दौर बना नहीं है वो अच्छे से आप बनता रहेगा और आपको आत्मविश्वास मिलता रहेगा। बस यही है कि सर जैसे जैसे बताया जाए आप उसी को फॉलो करिए, पूरी जैसा सर बताता है फॉलो करना है, फॉलो करिए आप, अपने से नहीं कुछ करना, अपने से अगर आप कुछ करेंगे तो आप अपनी सफलता में अवरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों बच्चे जो है कि आरडी स्पोर्ट क्लब के बारे में अपना जो है विचार जो है रख चुके हैं। हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आरडी स्पोर्ट क्लब प्रयागराज सलोरी जो है कि आकर जो है अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।